अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कादिम और आपको वेलकम करता हूं जालिब स्टूडियो में और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मटर किस तरह लगते हैं। अभी मटर का सीज़न चल रहा है, हमारे यहां मटर लगने स्टार्ट हो गए हैं। अगर जब सही ठंड होगी तब तक ये तैयार हो जाएंगे। तो आज मैं ये दिखाता हूँ आपको ये किस तरह लगा रहे हैं, बीज किस तरह फेंकना है और उसके ऊपर जो हल चलानी है वो कौन सी चला रहे हैं। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये सीड्स हैं इसके मटरों के, ये जो थोड़ा आप देख रहे हैं ये 14,000 का है, काफ़ी महंगा। एक 14 का भी है, एक 18 का है। इसमें मैं बीज आपको अगर दिखा सकूं, मैं दिखाऊं कि बीज कौन सा है। ये इसके बीज हैं और अब इसके ऊपर ये दवाई सी लगी होती है, मटर ही है लेकिन इसके ऊपर दवाई लगी हुई है। ये बीज फेंक रहे हैं इसके अंदर। अभी बीज जो है ये दो दफ़ा यहाँ पे फेंकते हैं, पहले यहाँ समझ कर एक साइड से ये स्टार्ट कर रहे हैं, इस साइड से स्टार्ट करके ये सारा फेंक लेंगे, फिर दोबारा से इस साइड से स्टार्ट होकर एंड तक यहाँ दो दफ़ा ये फेंकेंगे, उसके बाद ऊपर जो हल चलाते हैं वो चलाएंगे। अभी आप ये देखें कि ये बीज किस तरह फेंक रहे हैं। ये देखें आप, यहाँ पे उन्होंने ये बीज फेंके हुए हैं, अब इसके ऊपर हल चला रहे हैं। ये देखें ट्रैक्टर जो है वो हल चला रहा है। ये जो आप अभी देख रहे हैं ये स्प्रेस के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ मटर लगे हुए हैं और ये स्प्रेस लिए करते हैं कि जो जब मटर निकलेंगे उसके साथ जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो ना निकलें। अभी ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, साथ पानी लगा रहे हैं। ये पानी लगाने से पहले इसके ऊपर स्प्रे करना होता है, तो अभी ये वो कर रहे हैं। इधर जो आप ये देख रहे हैं अभी यहाँ पर ये लग रहे हैं, जब ये भी पानी लगाएँगे तो पानी लगाने से पहले ये स्प्रे करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मटर लग गए हैं, तो ज़्यादा वीडियो इसलिए रिकॉर्ड नहीं की कि सेम काम ही होना था, वीडियो की लेंथ ही लंबी होनी थी, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप सारा देखें। यहाँ पे इन्होंने जो लाइनें जो पंजाबी में रेडी में आगे बता चुका हूँ, बनिया इसे कहते हैं, हम चरें भी कह लें, चरें भी हम इसे कहते हैं, तो ये वो बन गई हैं। इसके ऊपर ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो मटर की जो जड़ें होती हैं, जो पौधा होना उसकी जड़ें इसमें सही तरह ग्रो कर लेती हैं, मतलब उन्हें कोई मसला नहीं होता। आलू का और मटर का सेम यही होता है, लेकिन आलू की जो इस तरह बनिया सी बनाते हैं वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, क्योंकि उसके जो हम ये मिट्टी होती है इसके अंदर ही आलू बनना होता है, इस वजह से। और जो मटर होते हैं वो वैसे बाहर ही होते हैं, इसलिए इसकी से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। दोस्तों एक ही साइड पर लग गया, एक ये होगी जगह, यहाँ पर सारी लग गई है,
एरिया में दिखा देता हूँ, इस एरिया में सारी ये देख, ये लग गए हैं इसमें, दूसरा इस साइड में, यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं, ये देख, ये सारा भी एरिया यहाँ पे लग गया है। लेकिन एक जगह पे और भी लगा रहे हैं, मैं वो भी सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर वहीं पे वीडियो अमेंड करेंगे। तो अब उस साइड पे चलते हैं जहाँ पे दोबारा वो और लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं और मटर इस जगह पे देखें आप, सेम उसी तरह आदि में लग गए हैं, और इस सामने इधर इस साइड पे रह गए हैं। जो ये देख रहे हैं इधर आलू लगे हुए हैं, ये भी गन्ने भी लगे हैं। जी दोस्तों, आपने भी देख लिया कि किस तरह मटर लगते हैं और पता चल गया। जी दोस्तों, आपने भी देख लिया कि गांव में किस तरह मटर लगते हैं, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो चलें मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।